हम लोग आए कॉलेज रोड पे एक फ्लैग खरीदने के लिए, तो चलो भाई हमारा एक एक फ्लैग खरीद लेते हैं हमारा प्यारा सा बाइक के लिए। इधर देखो भाई, फ्लैग लगाया जा रहा है बाइक पे। भारत बसुर व्यापार पूर्ण एक भारत माया के रूप, एक भारत माया अखंड रूपे हमारा ये करते बड़ी मुझसे बस तो तो ही व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई आज है 14 अगस्त एंड आज है संडे एंड भाई आज बहुत सारे रैली है भाई, 3-4 रैली है। तो हम लोग भाई देखते हैं कितना ज्वाइन कर सके एंड शाम को भाई हमारा कॉलेज में भी फंक्शन है एंड छोटा मोटा एक रैली भी हो सकता है। शाम को तो जाएंगे भाई कॉलेज एंड एक तो भाई RSS का रैली है, रशीद लोग का उधर से जाने वाला है। इन्होंने बोला था भाई उधर ज्वाइन करने के लिए, लेकिन भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है ज्वाइन करने का। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ हम लोग का इधर का जो भजन दल है भाई इन लोग का साथ एंड उसके बाद गाइज और एक संगठन है तो इसको भी ज्वाइन करेंगे भाई। तो आज का ब्लॉग जरा सा भी मिस मत करना गाइज, आज बहुत पूरा दिन भाई घूमने वाला हो एंड अभी फिलहाल जो जिस मोबाइल से शूट हो रहा है ये मेरा पोको X3 का वाइड एंगल से शूट हो रहा है। आप सोचोगे भाई ये मैंने कब लिया, एक्चुअली भाई ये सडनली मैंने फ़ोन लिया कल रात को ही मैंने फ़ोन लिया था। मेरा जो पुराना फ़ोन था भाई पोको C3 उसको तो मैंने बेच दिया केशी भाई, मैं स्टोर में जाके डायरेक्ट बेचा और इंस्टेंटली पैसा घुस गया बैंक पे एंड इसके बाद गाइस सेकेंड हैंड फोन खरीदा मैंने पोको X3। तो भाई फिलहाल जा रहा हूँ चोरोंगी पे। फिलहाल गाइस मेरे साथ तो अभी फिलहाल तो राहुल जा रहा है कि भाई बुला और दीपक इन लोग चोरोंगी पे, इन लोग से गाइस अभी मिलेंगे। कितने बजे निकलेंगे उसका तो कोई टाइमिंग नहीं है। क्या बात करते हैं दादू, इधर है भाई हमारा दादू, हमारे सब्सक्राइबर है। तो भाई चलो चलते हैं एंड आज भाई बहुत धूप बहुत ही ज्यादा है और टेम्परेचर भाई कितना होगा बोल नहीं सकता, ऑलमोस्ट 38-40 ऐसा ही हो जाएगा। एंड कैमरा 42-43 ऐसा, एंड कैमरा क्वालिटी कैसा है भाई कमेंट में बता देना, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। एंड ये जो शर्ट देख रहा हूँ ना भाई ये मेरा नहीं है, भुला का शर्ट लगाया है क्योंकि मेरा जितने भी शर्ट और टी शर्ट है वो सब मतलब धोने के लिए दे दिया भाई, तो वो सब सूखने में भाई टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए गाइस आज फिलहाल तो भुला का शर्ट पहन के जा रहा हूँ। एंड इस बार का महल देखो भाई मतलब कुछ अलग है भाई, मतलब हर घर पे तिरंगा है, बहुत ही देख के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। ऐसा भाई बहुत कम ही घर है जिसमें भाई फ्लैग इंडियन फ्लैग लगाया नहीं गया है, ऑलमोस्ट सारे घर पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ है। एंड इस बार का महल कुछ अलग है, पिछले साल में था ठीक है इंडिपेंडेंस डे मनाया गया सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त को, लेकिन इस बार भाई आप सबको जैसे कि पता है नया रूल्स आया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मतलब 24 आवर्स आप फ्लैग होस्ट कर सकते हो हर घर तिरंगा भाई, वो हैशटैग अभी बहुत ज्यादा चल रहा है भाई हर घर तिरंगा। एंड इस बार तो भाई 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है एंड इस बार भाई अमृत महोत्सव मतलब थोड़ा अलग टाइप का हो रहा है भाई। फिलहाल भाई मैं चोरोंगी होके आ रहा हूँ और मेरा सिर पे तो देख रहे हो भाई, तो एक्चुअली क्या हुआ कि इधर तो म्यूजिक चल रहा है तो उस वजह से भाई वीडियो शूट कर नहीं पाया, तो मैं थोड़ा दूर आके आपसे बात कर रहा हूँ। एंड फिलहाल तो भाई दोबारा मैं घर पे जा रहा हूँ बाइक लाने के लिए, क्योंकि बाइक लेके मनोजीत को लाना है एंड हम सब एक साथ एक ही रैली पे जाने वाला है भाई, क्योंकि 2-3 रैली में एक साथ ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है तो एक ही रैली में जाएंगे भाई। इधर देखो भाई दीपक है, दीपक भाई हाई कर दे भाई, जय श्री राम बोल दे, जय श्री राम, बन्ने वाते राम, जय श्री राम। इधर है राहुल, चोरोंगी पे भुला है भाई जिसको मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि भाई उधर बहुत ही ज्यादा म्यूजिक चल रहा है एंड उस वजह से भाई वीडियो शूट कर नहीं पाया, आपको थोड़ी देर बाद इसको भी दिख जाएगा मेरा वीडियो पे। एंड और एक दोस्त भी हमारा साथ शामिल होने वाला है जिसको अभी लाने जा रहा हूँ फिलहाल, मनोजीत है। तो भाई हम लोग ने बाइक निकल दिया एंड अभी फिलहाल तीनों जा रहे हैं भाई, दीपक राहुल और मैं भाई मनोजीत को पिक करने के लिए, उसके बाद सारे दोस्त लोग भाई एक ही साथ जाने वाला है। 2000 years later फिलहाल भाई मतलब कॉलेज रोड से पेट्रोल भरा जा रहा है, आजकल ब्लैक में ही ज्यादा पेट्रोल भरना पड़ रहा है। इधर देखो भाई हमारा दोस्त मनोजीत भी आ रहा है भाई मुकाम पे अभी फिलहाल, एंड इसको भी पिक कर लेंगे जाते वक्त। तो फिलहाल भाई जा रहा हूँ एक फ्लैग लेने के लिए इधर से, क्योंकि बाइक में बिना फ्लैग का गई आज
मतलब मजा नहीं आएगा क्योंकि रैली पे जा रहे हैं तो एक फ्लैग जरूर चाहिए। एंड चलो भाई उधर सामने से एक फ्लैग ले लेते भाई। हम लोग आए कॉलेज रोड पे एक फ्लैग खरीदने के लिए, तो चलो भाई हमारा एक फ्लैग खरीद लेते हैं हमारा प्यारा सा बाइक के लिए। इधर भाई हमारा बाइक और इसी के साथ भाई हमारा और एक दोस्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मनोज जी। जय श्री राम। तो ये भी हमारा साथ रैली पे जाने वाला है। एक्चुअली पहले का प्लान कुछ ऐसा था भाई, मैं इनका साथ जाने वाला था, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं सारे एक ही रैली पे जाने के लिए। तो चलो भाई यहाँ से एक फ्लैग खरीद लेते। इधर देखो भाई फ्लैग लगाया जा रहा है बाइक पे। तो चलो भाई निकलते हैं। ऑलमोस्ट गाइस हमारा रैली स्टार्ट हो चुके हैं। अभी चार बंदे जाने वाले हैं बाइक से। राहुल चला रहा है भाई बाइक। इधर राहुल चला रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल किचल करंजी बजरंग हमारा वो रैली स्टार्ट होने का ऑलमोस्ट मतलब 10:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, लेकिन भाई वीडियो कर नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा जैम था और ऊपर से भाई मतलब साउंड बहुत ज्यादा था। तो अभी दूसरा एक मतलब रैली पे आया है, हिंदू जागरण मंच ऑर्गेनाइज किया है। तो भाई अभी जो रैली एंजॉय कर रहे हैं मतलब, और उसके बाद गए दूसरा एक रैली पे जाएंगे। और सारे जो रैली है ना भाई एक ही जगह DSA बिल्डिंग में आके मिलेंगे। तो आज आप लोग ज्यादा सिनेमेटिक शॉट ही देखने को मिलेगा मेरा वीडियो में, क्योंकि भाई साउंड बहुत ही ज्यादा है कि मेरा बात आपको सुनाई नहीं देगा। तो फिलहाल भाई थोड़ा हम लोग रैली से निकल के थोड़ा सामने जा रहे हैं थोड़ा पानी उनी पीने के लिए, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, क्या बताओ यार। मतलब रैली का बीच में मतलब रहना पॉसिबल नहीं है बाइक लेके भाई। तो चलो थोड़ा पानी वानी पी के रिफ्रेश हो जाते हैं, दोबारा गाइस हम लोग चला जाएंगे रैली में। एंड इधर भाई दीपक और मनोजीत। एंड ये गाइस मनोजीत, तो पहले तो हमारा प्लान था कि हिंदू का साथ जो हिंदू जागरण मंच से अभी जिस रैली पे आए यहाँ से जाने का प्लान था, लेकिन गाइस हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो गया था। तो कोई बात नहीं भाई, सारे जो रैली हो रहा है ना सारे एक साथ आके मतलब DSA फील्ड पे आके मिलेंगे। और एक रैली है बजरंग दल से है, सारे बजरंग दल का एक साथ मिलेंगे भाई। इधर देखो भाई पेड़ को कलर किया जा रहा है, कल 15 अगस्त है तो सेलिब्रेट करने के लिए मतलब कलर वलर सब किया जा रहा है भाई। एंड यहाँ से भाई और एक रैली स्टार्ट हो चुका है। इधर देखो भाई हिंदू जागरण मंच से स्टार्ट हो चुका है रैली। एंड हम लोग का जो रैली है ना भाई फिलहाल तो वो कॉलेज रोड पे है, कॉलेज रोड होके भाई इधर आएगा, सारे एक साथ मिलेंगे भाई। इधर देखो भाई कितने सारे तिरंगा लेके जा रहा है भाई, हर एक बंदे का पास भाई तिरंगा है, जो कि देख के भाई बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लग रहा है भाई। नहीं हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा स्ट्रैपल और बेस का, सीधा चलू या चलू ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लो। फिलहाल भाई हम लोग मतलब गोल्डी मॉल का सामने का सीढ़ी पे बैठा हूँ, थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ भाई क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्म है, मुंह लाल हो चुका है भाई। देखो भाई मतलब ये दुख तो भाई हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, इस दिन के लिए भाई हमारा देश का नौजवान ने जान दे दिया भाई देश के लिए, और ये दुख क्या है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर भी भाई इधर थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, दोबारा हम लोग जाएंगे भाई रैली पे। एंड राहुल लोग दूसरा रैली पे है, हम लोग और एक रैली पे है भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इधर भाई फिलहाल हम लोग मेट्रो बाजार के सामने पुलाव खा रहे क्योंकि गाइस सुबह से कुछ खाया नहीं, निकल चुके हैं रैली के लिए। एंड अभी थोड़ी देर बाद खा के भाई भवन पे जाएंगे, उधर उन लोग वेट कर रहे। चलो भाई फटाफट खा लेते हैं, मिलते हैं आप सीधा भवन। हेलो दोस्तों,
फिलहाल तो खाके खत्म हो चुका है भाई। इधर है हमारा बाइक और इधर हमने एक झंडा भी ले लिया बजरंग दल का। एंड हम जा रहे हैं भाई हम लोग भवन पे, हाँसी खुशी भवन पे, क्योंकि भाई मेट्रो इधर का साथ उधर ही है सामने। एंड मेरा दोस्त लोग उधर वेट कर रहे हैं। एंड चलो भाई इन लोग से मिलते हैं। एंड इधर भाई कल के लिए शायद फंक्शन है इसलिए इधर स्टेज बनाया जा रहा है। एंड फिलहाल भाई हम लोग जा रहे हैं हाँसी खुशी भवन पे। एंड इधर भाई फंक्शन चल रहा है तो राहुल आके बोल रहा है कि भाई पूरा नेक्स्ट लेवल वाला फंक्शन चल रहा है, चलो भाई आप सबको भी दिखाते। तो आ चुके भाई हम लोग हाँसी खुशी भवन पे। इधर चल रहा है फंक्शन, इधर देखो भाई भवन किस तरीके से सजाया गया है। दोस्तों वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 20 से भी अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो सभी आज स्वतंत्र देश के रूप में कायम है। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी है तो पाकिस्तान जैसे कुछ देशों के रिश्ते बहुत ही खराब है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से अलग होकर नया देश बन गया था। नंबर 1 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कांधार और कम्बोज के कुछ कूलर का सुविधा दिया गया है, ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा कूल कूल। इधर भाई फ्री पानी का सुविधा भी है एंड थोड़ी देर पहले चाय और समोसा भी पिलाया गया है भाई, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। भवन का नाम है भाई हंसी खुशी भवन, इसलिए सब भाई हंसमुख है। যে প্রথম মেসেজ হলো আমরা আর মার খাবো না, আর দুটো মেসেজ এটাই ছিল যে গোপাল মুখার্জির মতো আমাদের ভূমিকা আবার পালন করতে হবে এই দেশকে বাঁচানোর জন্য, এই দেশকে রক্ষা করার জন্য, মায়েদের সম্মান রক্ষা করার জন্য। আমরা জানি আমরা সকলে এখানে বরাক উপত্যকায় আছি, আর বরাক উপত্যকায় এখানে যারা বড় বয়স জ্যেষ্ঠরা আছেন আপনারা সবাই জানেন, এবং যুবক ভাইদের, যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলছি যে আপনারা সকলে হয়তো জানেন না একটা স্লোগান ছিল তখন, না সিলেট লুচি ভুটের ছুটে কাঁচা লইমু লাতের ছুটে, এই কথা আসিল আগে। এই স্লোগানটা আমরা যুবক ভাইরা সবাই মনে রাখিও, তখন মুসলিমরা এটাই স্লোগান দিছিল যে সিলেট লুচি ভুটের ছুটে আর কাঁচা লইমু লাতের ছুটে। তো আর যাতে লাত না খায় এটার লাগি আজকে সংকল্প দিবস, আর যাতে আমরা বরাত পেলি বা ভারতবর্ষের একটা টুকরা যাতে ভারতবর্ষ থেকে আলাদা না হয় এই সংকল্প নেওয়ার লাগে আজকের এই সংকল্প দিবস পালন করা হোক। তো আজকে একটা মেসেজ আমরা সকলে নিয়ে নিতে লাগবো এখান থেকে, সবাই আমার সাথে একবার জোর করে কোথায় যে আমাদের শরীরের রক্ত এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমরা আর ভারত মায়ের খণ্ড নিতে দিতাম না, এবং আমরা ভারতবর্ষের আবার পূর্ণ এই ভারত মায়ের যে রূপ এই ভারত মায়ের অখণ্ড রূপে আমরা যাতে আমরা ইয়ে করতে পারি। भूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बलो भाई सब संतों की जय, बलो भाई सब भक्तों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गोवंशता बल लो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, हर हर महादेव। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की चल कर बजरंग I was